सुजुकी एवरी पाकिस्तान के अंदर लोकली असेंबल्ड फाइनली लॉन्च हो गया है। काफ़ी अरसे हम सुनते आ रहे थे कि ये पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड यूनिट आ रहा है बट फाइनली 12th October को कंपनी ने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और ये अजर रिप्लेसमेंट आया है सुजुकी बोलान की, जो कि तकरीबन 30-40 साल पाकिस्तान में एक ही शेप के साथ चलता रहा है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी अपग्रेड है। लेकिन अगर आप वैसे बात करेंगे तो एज एन इम्पोर्टेड यूनिट हम काफ़ी सालों से इसको पाकिस्तानी रोड के ऊपर देख रहे हैं ऑलरेडी, बट अब क्योंकि ये फाइनली लोकली असेंबल्ड लॉन्च हुआ है तो हम इसके फीचर्स के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। सो अगर इसके वेरियंट्स की बात करें तो इट हैज़ बिन लॉन्च इन 2 वेरियंट्स। एक इसका VX वेरियंट है जो कि बेस वेरियंट है, उसकी प्राइस है 27.5 लाख रुपये, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट VXR उसकी प्राइस है 28 लाख, यानी दोनों में फ़र्क है 50,000 रुपये का। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्पेक्स एंड फीचर्स दिस MPV हैज़ ऑन ऑफर, और इसके अलावा इसकी जो प्राइस है इज इट जस्टिफाइड और नॉट पाकिस्तानी मार्केट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, दिस इज अहमद शहरयार एंड यू आर वॉचिंग ऑटो एक्सफिनिटी रिव्यू सीरीज। सुजुकी एवरी के अगर हम फ्रंट एक्सटीरियर की बात करें और इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही बॉक्सी स्टाइल के अंदर आता है, और अगर बोलान के साथ इसको कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है बहुत मेजर अपडेट है इसके डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे छोटा सा हुड भी मिल जाता है जो कि सेफ्टी वाइज देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एडिशनल सेफ्टी मिलती है। उसके बाद इसके अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके हैलोजन प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मिलेंगे, या आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं एंड द साइड इंडिकेटर्स जो कि इसके साथ आपको मिल जाते हैं, और सेंटर में यू गेट दिस सुजुकी बैजिंग। यहाँ पे आपको एक ग्रिल स्टाइल मिलेगा जो कि बिल्कुल ओपन नहीं है, वैसे फेक यहाँ पे दी गई है डिजाइनिंग एलिमेंट के लिए। बॉटम पे आपका फ्रंट रेडिएटर जो ग्रिल है उसका एयर इंटेक है जो यहाँ से जाता है। उसके बाद अगर इसके टॉप पे आएंगे तो आपको जो इसके वाइपर्स हैं वॉशर के साथ मिल जाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डिज़ाइन। आपको इसका जो बम्पर है दैट कम्स विद बॉडी कलर्ड, और उसके अलावा इसके अगर स्टाइल को देखें तो मेरा ख्याल अगेन वही बॉक्सी स्टाइल है, सो देर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट, बट अगर अपडेट देखेंगे बोलान से तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अपडेट। सो अब बात कर लेते हैं इसके पावर नंबर्स की और इसकी इंजन की प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो ये आपको जो छोटा सा इसका हुड मिलता है इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको जो छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसके वॉशर्स मिल जाते हैं सिर्फ, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऐसा सच कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसका इंजन कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आ जाएं। अगर आप पैसेंजर साइड के ऊपर जाएंगे तो जो इसके पैसेंजर सीट है इसको आप यहाँ पे इसके क्लिप्स हैं उसको अगर आप ओपन करें तो ये पूरी सीट यहाँ से लिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे इसका इंजन कंपार्टमेंट है पूरा, और इसका इंजन यहाँ पे प्लेस्ड है। उसके नीचे काफ़ी इंसुलेशन उन्होंने दी हुई है ताकि हीट अब्जॉर्प्शन जो है वो सीट पे ज़्यादा हीटिंग ना आए। सो इसके अगर नंबर्स की बात करें तो दिस कार कम्स विद अ 660 cc ऑफ इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 43 horsepower एंड 58 Nm ऑफ टॉर्क, और इसका जो साइज़ है डेफिनेटली जैसे सुजुकी ऑल्टो है उसका साइज़ इससे कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो इंजन है वो सिमिलर टू दिस वन है। तो अगर ओवरऑल देखें मेरा ख्याल है रोड के ऊपर थोड़ा सा शायद अंडर पावर्ड हो, बट देन अगेन ये देखना पड़ेगा जब ये रोड पे जाएगा कि हाउ मच पावर दिस कैन प्रोड्यूस। सो जैसे कि हमने फ्रंट एक्सटीरियर पर बात की, अगर इसके साइड एक्सटीरियर को भी देखेंगे तो काफ़ी बॉक्सी स्टाइल है अगेन, और इसकी हाइट तकरीबन 6 फुट है, मेरे से हल्का सा ऊंचा है। और उसके बाद फीचर्स की अगर बात करें तो हम टायर से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि इसके अंदर आपको 145 साइज़ के अंदर आते हैं R12 साइज टायर्स हैं, और इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको स्टील व्हील मिलेंगे और कोई आपको व्हील कैप नहीं मिलता, और अलॉय व्हील्स तो खैर दूर की बात है, तो अगर आपने व्हील कैप लगाना है इसकी खूबसूरती बढ़ानी है तो आपको खुद ही इसमें एडिशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको खैर यहाँ पर मड फ्लैप मिल जाते हैं जो कि शुक्र है यहाँ पे ये दे दिए गए हैं, क्योंकि ये भी कॉस्ट कटिंग्स में आजकल पाकिस्तान में शामिल होता है। उसके बाद साइड एक्सटीरियर मिरर्स इसके अगर आप देखेंगे तो ब्लैक वो कलर के अंदर आते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटीरियर कलर ऑफ द कार, और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक छोटा सा यहाँ पे मिरर भी गिवन है जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी साइड पर देखने के लिए। उसके बाद आपके जो साइड डोर हैंडल्स हैं वो आपको अगेन ब्लैक के अंदर मिलेंगे, ये स्लाइडेड डोर है, और अगर इसकी यूजबिलिटी को देखें तो आई थिंक काफ़ी स्मूथ है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पे इसका ये आपको चैनल मिल जाता है जिस पे ओपन क्लोज होता है। उसके बाद ये आपको एक फिक्स विंडो यहाँ पे मिलेगी बैक पे, और ये जो विंडो है ये भी ओपन हो जाती है और ये भी हो जाती है, और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो अगर अंदर से बाहर का व्यू देखना हो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उसके लिए स्पेस है। अब चलते हैं इसके रियर एक्सटीरियर पर और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से फीचर हैं गाड़ी के। सो कमिंग टू द रियर एक्सटीरियर ऑफ एवरी, अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट आउट डिज़ाइन है इसका, और फीचर्स की हम बात कर लेते हैं तो टॉप पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलेगा, एंड देन यू गेट द ABS बैजिंग एयर यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी के अंदर है, जो कि अच्छी बात है।
उसके बाद यू गेट द सुजुकी बैजिंग हियर, यहाँ पे आपको इसका हैंडल मिल जाता है लगेज कंपार्टमेंट को एक्सेस करने का, अगेन ब्लैक कलर के अंदर है। मेरा ख्याल है जो इसके ब्लैक डोर हैंडल्स हैं और इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं, आई थिंक दे हैव लेफ्ट समथिंग फॉर द फेसलिफ्ट वेरिएंट, या फिर कभी अगर इसका VXL वेरिएंट आया तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, जो कि मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड होने चाहिए। बॉडी कलर इसमें ऑलरेडी दे देना चाहिए था, बट स्टिल उनकी अपनी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे आपको एवरी की बैजिंग मिलेगी, यू गेट द VVT बैजिंग, और अगर आप VXR वेरिएंट लेंगे इसका टॉप ऑफ द लाइन तो VXR की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद बॉटम में देखेंगे इसके रियर लाइट्स को, तो इनकी रिजेंबलेंस आपको मिलेगी ऑल्टो के साथ, वो भी बंपर में माउंटेड है बिल्कुल बॉटम साइड पे, और यहाँ पे काफ़ी स्केयर शेप के अंदर आपको मिलती हैं। इसके अंदर आपको इसका साइड इंडिकेटर्स का और रिवर्स लाइट का वो भी यहाँ पे लाइट मिल जाती है। उसके बाद अब इसके चेक करते हैं कंपार्टमेंट को लगेज के, कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर। सो लगेज कंपार्टमेंट को देखें तो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस टू कैरी एनी लगेज इन दिस कार, और आपको यहाँ पे एक विनाइल का कारपेट भी मिल जाता है जो कि इसकी फिनिश को काफ़ी बेहतर बना देता है। उसके अलावा आपको कारपेट्स मिल जाते हैं गाड़ी के जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग इट। और उसके अलावा द फीचर्स की अगर बात करें तो एक यहाँ पे हाईलाइट है इसकी, जो कि ज़रूरी होता है कि लगेज के अंदर आपको लाइट, तो यहाँ पे एक हैलोजन लैंप यहाँ पे दे दिया गया है ताकि रात के टाइम आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाए। उसके बाद अगर इसके इस दोनों वेरियंट्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड स्पेयर टायर मिलता है, और अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे उसका एक बोल्ट यहाँ पे है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके बिल्कुल बॉटम साइड के ऊपर माउंटेड है इसका स्पेयर टायर, तो आप यहाँ से वो भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके जो लगेज कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सो लेट मी शो यू कि अगर आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड कर दें तो कितनी इसकी कैपेसिटी बन जाती है। सो इसको अगर आप यहाँ से एक दफ़ा फोल्ड करें तो इसका टेक गिर जाती है, उसके बाद ये लिवर से आप इसको ओपन करेंगे तो दिस बिकम्स अ कम्प्लीट फ्लैट बेड एंड यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ लगेज हेयर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्लैट बेड, और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, और एनी टाइम आप इसको दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। सो हमने एक्सटीरियर की तो बात कर ली, अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और इसकी रियर सीट स्पेस की कम्फर्ट चेक करते हैं। सो ये स्लाइडर डोर से आप यहाँ से एंटर होते हैं, और यहाँ पर एंट्री काफ़ी ईजी है इसके अंदर, सो मैं लास्ट के अंदर चला जाता हूँ। सो यहाँ पे अगर सबसे पहले इसकी लेग रूम की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है यहाँ पे, हेड रूम तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, आप 6.5 फुट का बंदा भी लें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा अगर इसकी हम सीट्स की कैपेसिटी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 3 एडल्ट्स तो मुश्किल से ही बैठेंगे, अगर एक सेंटर में बच्चा होगा तो फिर ठीक है, 2 एडल्ट्स के लिए बिल्कुल ईजी है। उसके बाद अगर इसके मटीरियल की बात करें तो फैब्रिक सीट्स आती हैं टेक्सचर्ड, और इसके अगर मैं कम्फर्ट की बात करूँ तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि कम्फर्ट इसमें कोई खास नहीं है, और इसकी सीट की हाइट क्योंकि काफ़ी लो है तो आपको अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती, और फ्लोर काफ़ी आपके करीब है। और लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सीट बेल्ट्स दे दी गई हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर कोई हेडरेस्ट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बेंच सीट आपको मिलती है, और ज़्यादा लॉन्गर जर्नीज के लिए मेरा नहीं ख्याल इट इज़ गोइंग टू बी सूटेबल। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मेरा ख्याल है 28 लाख रुपये में अगर आप ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आई थिंक ये इंप्रूव हो सकती थी इसकी कम्फर्ट, और सीट्स में बेहतरी आ सकती थी। एक चीज़ है क्योंकि इसके फ्रंट जो हेडरेस्ट हैं वो काफ़ी उनकी हाइट ज़्यादा है, तो आप अगर पीछे बैठे हैं तो आपको आगे ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, आप साइड से व्यू कर सकते हैं, और साइड्स के लिए आपकी जो ये जो विंडोज़ हैं ये ओपन हो जाती हैं। और ये मैं VX वेरिएंट के अंदर हूँ तो इसके अंदर आपको ये मैनुअल मिलेगी, और VXR में भी आपको मैनुअल मिलती हैं, फ़र्क सिर्फ अगले सीट्स के ऊपर आता है। तो अगर आप इस विंडो को ओपन कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू भी आ जाता है, और आपको एयर इनटेक के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियर साइड, मेरे ख्याल में कम्फर्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो अब एवरी के ड्राइवर सीट पर चलते हैं और आपको तमाम इसके फीचर्स दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर कीलेस एंट्री आती है, यानी अगर आपके पास की है तो आप इजीली अंदर एंटर हो सकते हैं। सो जब इसके अंदर आप एंटर हो तो इसकी एंट्री काफ़ी इजी है क्योंकि इसकी डोर की ओपनिंग काफ़ी बड़ी है। और सबसे पहले मैं फीचर्स की बात कर लूँ, इसका जो फ्यूल टैंक है उसको अगर आपने एक्सेस करना है, जो कि यहाँ पे उसका कैप मौजूद है, तो यहाँ पे आपको एक लेवर मिलेगा तो ये आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा अगर आप यहाँ पे मेन इसकी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आप इसकी जो फ्रंट दोनों डोर्स हैं उसकी पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और जो ड्राइवर साइड की है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन आपको मिलती है। सो उसके अलावा आपको ये जो यहाँ मटेरियल मिलेगा सारा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है और कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और डोर के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं जो कि टोटल यहाँ पे 2 स्पीकर्स गिवन है। सो एवरी के अंदर अगर सीटिंग पोस्चर की बात करें तो मेरा ख्याल है ड्राइवर सीट का और फ्रंट सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे मैंने रियर सीट्स की बात की थी कि वो इतनी नहीं है कंफर्टेबल, तो फ्रंट सीट्स की तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक सीट्स आती हैं अगेन टेक्सचर्ड के अंदर। और अगर आप यहाँ पे सीट्स का पोस्चर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं सीट को अपने अकॉर्डिंगली, और इसमें आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली। सो अगर इसके स्टेयरिंग को देखें तो काफ़ी सिमिलैरिटी है इसकी सुजुकी ऑल्टो के स्टेयरिंग से, बट इसके अंदर ये डार्क ग्रे कलर के अंदर स्टेयरिंग आता है, और आपको एक सिंपल मीटर यहाँ पर मिलेगा जो कि जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 140 यहाँ पर शो हो रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस आपको मिलेंगी, आपको बॉटल होल्डर्स इसके
दरवाज़ों में मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाएगा, एक कप होल्डर आपको उस तरफ मिल जाता है। उसके अलावा ये डैशबोर्ड जो है कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है और काफ़ी आपको रिजेंबलेंस इसकी ना आपको सुजुकी ऑल्टो से मिलती है, क्योंकि अगर आप इसका ये एसी का यूनिट देखेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि आपके ऑल्टो के अंदर मिलता है। सो इसके अंदर आपको सिंपल एसी भी मिलता है और ये VXR वेरियंट में अगर आप VX पे जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पैसेंजर की ये असिस्ट ग्रिप मिल जाती है, ये भी आपको VX वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑडियो सिस्टम इसका जो मिलता है जो MP3 ऑक्स ब्लूटूथ और उसके अलावा SD कार्ड सपोर्टेड है और ये भी आपको VX वेरियंट के अंदर ये यहाँ पे क्लोज मिलेगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसके AC वेंट्स आ जाते हैं, वर्टिकली माउंटेड है, साइड वाले बिल्कुल राउंड है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-speed मैनुअल आती है इसके अंदर और गियर इसका यहाँ पे सामने माउंटेड है और आपको इसके अंदर मिल जाएगी हैंड ब्रेक मैनुअल और यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और अगर ओवरऑल इसकी अगर मैं फिनिश की बात करूँ तो आई थिंक काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं बोलान के साथ, क्योंकि उसकी ये रिप्लेसमेंट है तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका फ्रंट हैलोजन जो लैम्प मिलता है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सन वाइजर्स हैं इसके अंदर आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता दोनों साइड्स पे। उसके बाद एक चीज़ है कि यहाँ पे पूरी आपको ऊपर ट्रे एक मिल जाती है जिसके अंदर आप स्टोरेज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली वैगन्स के अंदर भी होती है, तो ये तमाम आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर इसकी विजिबिलिटी आप देखेंगे ओवरऑल ड्राइविंग करते हुए तो आई थिंक काफ़ी बेहतर होने वाली है और आपको क्योंकि छोटा सा हुड भी मिलता है तो आपको कुछ स्पेस मिल जाती है जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी के ऊपर काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। सो बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको जो इसकी हेड लैम्प है उसकी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मेरे राइट साइड पे यहाँ पे मिल जाती है जो कि अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर इसकी हम हेडरेस्ट की बात करें तो अगेन आपको ऑल्टो जैसा इसके अंदर हेडरेस्ट मिलता है, सेपरेट नहीं है, बट क्योंकि है तो उसकी वजह से आपका पोस्चर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक सॉकेट मिल जाती है जिसमें आप सिगरेट लाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ पे इसकी सीटिंग की बात करूँ मैं तो दो बंदे बड़ी आसानी से बैठ जाएंगे और आपकी लेग रूम भी यहाँ पे काफ़ी है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बट अगर इसके हम सेफ्टी फीचर्स की तरफ जाएँ तो आई थिंक के बोलान से बहुत बड़ी अपग्रेड है। इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 सेफ्टी एयरबैग्स, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसके अलावा आपको ABS और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन इस गाड़ी के अंदर वो दोनों फीचर्स भी मिलेंगे। सो बोलान से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट है। बट अगर इसके अगेन प्राइस पॉइंट के ऊपर आएँ तो ये आपको मिलेगा 28 लाख रुपये में और इसका कंपेरिजन अगर पाकिस्तानी मार्केट में करें तो इट इज़ गोइंग टू कम्पीट विद चांगान कारवां जो कि बहुत ही जल्दी पाकिस्तान में अपनी जगह बना गया था और वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बोलान। लेकिन ये 660 cc है, 4 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है, उसके अलावा साइज़ में भी कंपैरेटिवली छोटा है, कंफर्ट भी इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कारवां। और अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर 7 सीटिंग कैपेसिटी है विद मोर कम्फर्ट विद अ लार्जर इंजन। और अगर हम प्राइस का कंपेरिजन करें तो इसकी प्राइस है 28 लाख रुपये और आपको कारवां मिलता है तकरीबन 30.5 लाख रुपये में, यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपये का दोनों का प्राइस का डिफरेंस है। तो अगर मैं मार्केट में जाऊँगा और एक मल्टाई पर्पज़ वैन MPV खरीदने जाऊँ तो मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख रुपये में आई वुड गो फॉर दी कारवां, क्योंकि इट गिव्स बेटर वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू सुजुकी एवरी। लेकिन अगर आप डाई हार्ड फैन है सुजुकी के एंड यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम बोलान तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द गो टू कार फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ दैट। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आई डोंट थिंक 28 lakhs इज अ जस्टिफाइड प्राइस। मेरे ख्याल में इसकी प्राइस तकरीबन 23-24 lakh होनी चाहिए थी, फिर कुछ भी समझ में आती थी, क्योंकि बोलान 19-20 lakh रुपये पर डिसकंटिन्यू हुआ था। और अगर एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कारवां की बहुत अच्छी मार्केट बन चुकी है अपनी जगह बनाना चाहता है एवरी, तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्राइस को 23-24 के अराउंड रखना चाहिए था। बट कंपनी का स्लोगन है इस गाड़ी को लेकर एवरी फॉर एवरीवन, बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फॉर एवरीवन। सो दिस वॉज द फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ सुजुकी एवरी लोकली असेंबल्ड यूनिट इन पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने बात की थी इसकी प्राइस को लेकर मेरे कंसर्न्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसकी प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट अगर देखा जाए पाकिस्तानी मार्केट के डायनामिक्स को तो हम वो कौम है जिन्होंने 30-40 साल बोलान के साथ भी गुजारा किया था और जैसे कि ऑल्टो भी प्राइस है अराउंड 28-29 lakh पे। आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गोइंग टू स्टॉप दिस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके स्पेक्स और फीचर्स को देखते हुए कि इसकी प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है और आप क्या समझते हैं कि इट इज़ इट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल लॉन्च इन पाकिस्तान। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर कार रिव्यू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।